दूरसंचार मंत्री ए राजा ने 2G घोटाले को लेकर कई खुलासे किए हैं। ए राजा ने 2G सागा अनफोल्ड नाम से एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने परत दर परत घोटाले की कहानी बयां की है। ये किताब शनिवार को दिल्ली में लॉन्च होगी। किताब में ए राजा ने घोटाले पर पूर्व प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि दूरसंचार मंत्रालय के हर फैसले की जानकारी मनमोहन सिंह को थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरा बचाव नहीं किया। मेरी हर कार्रवाई जायज थी, बावजूद इसके मनमोहन की चुप्पी ऐसी थी जैसे पूरे देश की अंतरात्मा ने चुप्पी साधी हो। ए राजा ने अपनी किताब में पूर्व CAG विनोद राय पर भी जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने किताब में लिखा है कि विनोद राय ने देश के सामने घोटाले की ऐसी काल्पनिक तस्वीर पेश की जिसकी वजह से पूरा विपक्ष और मीडिया मेरे पीछे लग गया। उनका व्यवहार उस बिल्ली के जैसा था जिसने अपनी आंखें बंद की और ऐलान कर दिया कि पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा है। UPA2 की हत्या करने के लिए राजनीतिक साजिश रची गई, जिसके लिए विनोद राय के कंधे पर बंदूक रखी गई। आपको बता दें कि 2010 में CAG के खुलासे के बाद 1,76,000 करोड़ रुपए का ये कथित घोटाला सामने आया था, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था। इस घोटाले में दिल्ली की निचली अदालत ने ए राजा समेत सभी आरोपियों को पिछले महीने ही बरी कर दिया है।